हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि कौन सा मोल्ड यूज़ करना है, कितना स्पॉन्ज जाएगा, कौन सा केक, कैसा केक, 3 टायर केक, 2 टायर केक। तो बाहर के अवॉइड करना है आवाज़ों को, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए लाइक शेयर, और क्या करते हैं जो भी फॉलो वगैरह करना है वो कर लेना आप। तो हम बात करते हैं अपने स्पॉन्ज की, हम कैसे बनाते हैं। आधा किलो केक के लिए जो मैं यूज़ करता हूँ, 150 ग्राम प्रीमिक्स से हम स्पॉन्ज बनाते हैं। तो ये 5 इंच का मोल्ड है इसमें, और ये 6 इंच का मोल्ड है इसमें। और 1 किलो के लिए जब 300 ग्राम प्रीमिक्स यूज़ करते हैं तो ये है 7 इंच का मोल्ड, ठीक है, और ये है 8 इंच के मोल्ड। तो 300 ग्राम इसमें आ जाता है इजीली। और ये है 9 इंच के, 1.5 किलो केक के लिए, ठीक है, इसमें 450 ग्राम तक प्रीमिक्स आपका आ जाएगा। और ये 10 इंच का है, इसमें 2 किलो केक आप इजीली बना सकते हो, 600 ग्राम तक प्रीमिक्स आ जाता है। बहुत से बार ये पूछा जाता है कि कितना लें स्पॉन्ज के लिए प्रीमिक्स, कितना लें। देखो, आधा किलो के लिए आप 150 से शुरुआत कर सकते हो, 160 भी ले सकते हो, 170 भी ले सकते हो, अगर आपको क्रीम कम रखनी है तो। और फिर 1 किलो के लिए 300 हो जाएगा, 1.5 के लिए 450 हो जाएगा, 2 के लिए 600 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको कैलकुलेट करना है और ईजी हो जाएगा। लेकिन अगर कई बार आप क्या करते हैं, बल्क में बनाते हैं, जब आपने स्पॉन्ज बहुत सारा मान लिया, बड़ी मशीन है मान लो, एक साथ बेक करना है, तो क्या करना है आपको, अपने स्पॉन्ज का ये जो मोल्ड है 50% से ज़्यादा नहीं भरना है, बस इतना आपको याद रखना है। तो उसी में आपका स्पॉन्ज बनेगा, उसकी कैलकुलेशन फिर आप जब खुद बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना वेट आ रहा है मेरे केक का, फिर मुझे क्या कम करना है, क्या ज़्यादा करना है, तो ऐसे हो जाती है। लेकिन अगर आप एक एक केक के लिए बना रहे हो इंडिविजुअल, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, 5 और 6 में 150 आ जाएगा, 7 और 8 में 300 आ जाएगा, 9 इंच के में 450 और 10 में मैक्सिमम 600। अब मान लो आपको 4 किलो का बनाना है, तो इसी में आप 2 बार स्पॉन्ज बेक कर लो, एक बार बनाया 600 ग्राम से, फिर 600 ग्राम से बना लो, 4 किलो बन जाएगा, ठीक है। 3 किलो बनाना है तो 3 किलो इसमें 900 ग्राम, 450, 450 कर लो आप। तो थोड़ा बहुत आपको एडजस्टमेंट खुद करना पड़ेगा अपने हिसाब से, केक के डिज़ाइन के हिसाब से। बाकी आप जब डेली बनाते रहोगे तो आपको समझ आ जाएगा, कोई इतना साइंटिफिक इसमें फॉर्मूला नहीं लगाना है। बस आपको ये याद रखना है आपका जो टीन है 50% से ज़्यादा भरा ना हो, और जो मैंने कैलकुलेशन आपको बताई है उस हिसाब से बिल्कुल भी 50% से ज़्यादा नहीं भरता है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि 3 टायर केक बनाना है, 2 टायर केक बनाना है। पहली बात तो आप, अगर आपके पास 2 टायर केक का ऑर्डर आता है तो आप 1.5 किलो या 2 किलो से कम मत लिया करो, 1 किलो में मत बनाया करो, क्योंकि आपकी मेहनत ज़्यादा लगती है और उसमें पैसा कम मिलता है आपको, उतना ही मिलेगा जो नॉर्मल केक में मिल रहा है, तो फिर आप क्यों बनाते हो, ठीक है। 1.5 किलो का मान लीजिए या 2 किलो का मान लेते हैं हम, चाहे सपोज कि आपको 2 किलो का 2 टायर केक बनाना है, तो 2 किलो के लिए हमें कितना स्पॉन्ज चाहिए होगा, 300 और 300, 600 ग्राम। तो अब आपको ये देखना है मेरा 600 ग्राम मेरे को किस तरीके से एडजस्ट करना है कि मेरा 2 टायर केक बन जाए। आपने ये मान लीजिए एक ये ले लिया 9 इंच का और एक 6 इंच का ले लिया, ठीक है, ये नीचे से थोड़ा कम है और ऊपर से ज़्यादा है, तो नीचे से 8 है और ऊपर से 9 है, तो ये 9 इंच का है वैसे तो, पर ये टेपर वाला है तो हमको काफ़ी हद तक पसंद नहीं है वैसे तो, ये जब शुरू में हमने लिए थे, लेकिन अब ऐसे लेते जो ऊपर से नीचे से एक लेवल में होते, ये काफ़ी अच्छे रहते हैं। 2 टायर केक के लिए या 3 टायर केक के लिए आपको एटलीस्ट 1.5 से 2 इंच या 1 इंच तो मिनिमम रखना ही है गैप, जैसे 3 टायर का है, ठीक है। अब आपको मान लीजिए 3 टायर केक को ही 2 kg में बनाना है, तो 600 ग्राम आपको प्रीमिक्स पाउडर इनमें डिवाइड कर लेना है अपने मोल्डों में, बस पहले एक साथ 600 ग्राम बना लेना, इसमें डाल देना कुछ, फिर इसमें डाल देना आधा, फिर इसमें डाल देना, या यहाँ से शुरुआत कर लेना छोटे से, पहले इसको भर लिया आधा, फिर इसको भर लिया आधा, और फिर जो बचा हुआ इसमें डाल दिया, बस बन गया आपका। पर कैलकुलेशन तो वही है कि हमने स्पॉन्ज उतना ही लिया जितना हमें 2 किलो में लगाना है, चाहे वो सिंपल हो या 2 टायर हो, चाहे 3 टायर हो, चाहे 4 टायर हो, ठीक है। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं कोई भी डिज़ाइन, कई बार डिज़ाइन अलग अलग भी होते हैं तो उसके हिसाब से भी चेंजेस करने पड़ते हैं मोल्ड में। देखो ये 7 इंच का मोल्ड है, अब हमें 2 टायर में कम गैप वाला डिज़ाइन चाहिए, तो आप इसको यूज़ कर लेना, ठीक, लेकिन इसमें 1.5 किलो ही बनेगा 2 टायर का। तो आपको एडजस्टमेंट अपने स्पॉन्ज के बैटर के हिसाब से करनी है। मैंने आपको बता दिया आधे किलो के लिए 150, और इस हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करते जाना है। कोशिश ये करना मिनिमम 1 इंच का गैप हो किसी भी मोल्ड में, और अपना पूरा बैटर बनाने के बाद फिर आप उसको डिवाइड कर लेना कि 2 टायर का बनाना है कि 3 ट्राई का बनाना है, ठीक है।
तो यही हम पे गिने चुने हमारे पास मोल्ड है, इसी से हम बनाते हैं। 5 किलो का केक भी, 7 किलो का केक भी, 2 का, 1.5 का, जितने भी बनाने हैं हम इन्हीं से बना लेते हैं। दुनिया भर के मोल्ड इकट्ठे करने की आपको ज़रूरत नहीं है, जब काम बढ़ जाए तो आप ले सकते हो। हमारे पास तो देखो हमारे पास इतना ही है, मैक्सिमम साइज़ हम पे 10 इंच का ही है, और इससे बड़ा मोल्ड OTG में जाता नहीं है, तो फिर हम लेके करेंगे क्या। जब हमारे पास ओवन आ जाएगा तो हम ट्रे वगैरह से लेके रिंग से कट करके स्पॉन्ज यूज़ किया करेंगे, बट फिलहाल में जो हमारे पास है, या आप लोगों के पास जो भी है, होम बेकर्स हैं, जो कुछ करना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, जो कर चुके हैं या अपना बिजनेस कर रहे हैं, जो पैसा कमा रहे हैं, वो तो ले सकते हैं। खैर ठीक है, मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से करना है आपको। आप इजीली कर सकते हो, किसी भी मोल्ड को आप एक दूसरे के ऊपर रख के देख लो, चाहे ये 6 इंच का है, ये 8 इंच का है, ये रख दिया। अब आपको इसमें 2 किलो बनाना है तो बन जाएगा आराम से। 600 ग्राम प्रीमिक्स ले लेना, 400 इसमें डाल देना, 150 इसमें डाल देना, सॉरी 200 इसमें डाल देना, तो 600 हो गया, आराम से बन जाएगा। तो ज़्यादा टेंशन मत लिया करो, कैसा करना है क्या करना है, मिनिमम 1 इंच का गैप होगा तो चल जाएगा, बाकी क्रीम से सेट हो जाता है कि क्रीम कम कम लगा दी, ज़्यादा लगा दी, तो उस हिसाब से आप सेटिंग कर सकते हो। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा, नहीं समझ आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना और फिर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतने, छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि कितना स्पॉन्ज आपको बनाना है। स्क्रैच से मैं अभी नहीं बनाता, और पहले बना लेते थे, या एग के स्पॉन्ज जो होते हैं वो, उसकी रेसिपी अलग है, उसकी कैलकुलेशन अलग है। प्लीज़ आप खुद करोगे तो आप सीख जाओगे। मैंने आपको ये भी बता दिया कि 50% से अपना मोल्ड ज़्यादा मत भरना, फिर क्या होता है वो क्रैक्स आते हैं, बीच में से डोम भी आता है और साइड से जल जाता है, साइड से बहुत छोटा सा रह जाता है, बीच में से पिरामिड की तरह उड़ जाता है। तो ठीक है, वो कोशिश मत करना, वैसा काम मत करना आप लोग, और जब आप ट्राई कर लोगे तो हो जाएगा। चलिए फिर वीडियो ख़त्म करते हैं, इन्जॉय करिए और सीखते रहिए फिर।